नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का इनॉलेज टाइम में। इनॉलेज टाइम में आज हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली 14.85 किलोमीटर लंबी सुरंग के बारे में, जिसको बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। साथ में यह भी जानेंगे कि यह सुरंग किन दो राज्यों को पूरे वर्ष सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और रणनीतिक और सामरिक तौर पर यह कितना महत्वपूर्ण है। इससे पहले यदि आप आगे भी तथ्यात्मक जानकारी पूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए घंटी की बटन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 14.85 किलोमीटर लंबी सुरंग को बनाए जाने की मंजूरी दी है। यह एक अंडर वाटर रोड टनल होगा। यह देश का पहला ऐसा सुरंग होगा जो पानी के नीचे बनेगा। यह देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी में बनेगा। इस अंडर वाटर रोड टनल से पूर्वोत्तर राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश को पूरे साल सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह सुरंग असम में नेशनल हाईवे 54 पर स्थित गोहपुर और नेशनल हाईवे 37 पर स्थित नुमालीगढ़ को जोड़ेगी। अंडर वाटर रोड टनल को दो कैप्सूल यानी कि ट्यूब के रूप में बनाया जाएगा। दोनों ट्यूब एक दूसरे से जुड़े होंगे और प्रत्येक ट्यूब में दो लेन की रोड होगी, मतलब यह चार लेन की अंडर वाटर रोड टनल होगी। एक सुरंग से गाड़ियां जाएंगी और दूसरे सुरंग से गाड़ियां आएंगी। पानी के नीचे बनने वाली इस सुरंग में 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। फोर लेन की इस सुरंग से बड़े मिलिट्री वाहन भी गुजर सकेंगे। इस सुरंग के जरिए अरुणाचल प्रदेश स्थित चीन से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा तक मिलिट्री वाहन आसानी से पहुंच सकेंगे और अन्य सेवाओं को भी इस सुरंग के माध्यम से आसानी से ले जाया जा सकता है। रणनीतिक और सामरिक लिहाज से यह टनल बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति में यह सुरंग काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस अंडर वाटर टनल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमेरिकी कंपनी लुइस बर्जर इस अंडर वाटर रोड टनल को बनाएगी। इसने प्रोजेक्ट की डीपीआर भी तैयार कर ली है। साल के आखिरी महीने दिसंबर से सुरंग का निर्माण कार्य शुरू हो जाने की पूरी संभावना है।